प्रतीक्षा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे साबूदाना खिचड़ी। उसके लिए हमें चाहिए 1/2 कप साबूदाना, इसे मैंने धोकर भिगो के रखा था 2 घंटों के लिए। मूंगफली पाउडर 1/4 कप, 2 मीडियम उबले हुए आलू, तेल, 1 हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा, पल्हारी नमक और लेमन जूस। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हम साबूदाना डालेंगे और मूंगफली पाउडर। इसे हम मिक्स कर लेंगे स्पून से इस तरह से। इसे हमने मिक्स कर लिया है। यहाँ मैंने कढ़ाई रखी है गरम होने, इसमें हम तेल डालेंगे और इसे गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, इसमें हम जीरा डालेंगे। हरी मिर्च, उबला हुआ आलू, इसे हम 1 मिनट पका लेंगे। इसमें अब हम साबूदाना डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम पल्हारी नमक डालेंगे। इसे अब हम ढक लेंगे और 2 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। इसमें अब हम लेमन जूस डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं साबूदाना हमारा ट्रांसपेरेंट हो चुका है, ये अच्छे से पक गया है। इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम गैस बंद करेंगे और इसे सर्व करेंगे।